गुड मॉर्निंग क्लास 7। लास्ट क्लास में हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें हमें क्या करना था कि परसेंटेज दे रखे हैं, कुछ फ्रैक्शन में कुछ नंबर से मैं इन्हें रेशियो में चेंज करना है। तो रेशियो में चेंज करने का क्या था, 12% है तो 12 अपॉन परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। इसे कट कर देते हैं, इसे हम 2 की टेबल से भी कट कर सकते हैं और 4 की टेबल में भी, क्योंकि ये नंबर 2 की टेबल में भी दोनों आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो 4 की टेबल से करेंगे क्योंकि बड़े नंबर से कटता है तो जल्दी होता है। तो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, और 100 कितने टाइम आता है, 25 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो में क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3:25। अगला, पहले से क्या करते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। 1 whole 1/2 है तो 1 2 2 2 1 3, 3/2%। अब परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 लग जाएगा, इसमें कोई कट नहीं हो रहा, कोई कट नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट इसमें क्या लिखेंगे, 3/2 × 100 200। तो ये आ जाएगा 3:200। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या था, परसेंट में है, पॉइंट में है, तो पॉइंट को चेंज करते हैं, पॉइंट हटाने, पॉइंट के बाद कितने 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। अब परसेंट का, अब परसेंट को हटाएंगे तो एक और अपॉन में 100 लगेगा। अब हम कट कर लेते हैं, जैसे ये नंबर भी 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में 100 25 टाइम, और 28 कितने टाइम आता है, 4 के टेबल में 7 टाइम। अब क्या बच गया, ये 7 ऊपर एज इट इज, और रेशियो में अपॉन में कितना आ जाएगा, 25 और 00 के 00 आ जाएगा, 25:200। ये हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हमें दे रखा है फोर्थ के ए में 22% ऑफ 140। तो आपको मैंने बताया था वही सीन वही है कि 22 है, परसेंट लगा है, परसेंट को हटाएंगे अपॉन में 100। अब ऑफ है तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, और यहाँ पर ये 140। अब क्या है, जो कट रहा है उसे काट दो, जैसे ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या है, कौन कट रहा है, ये 22 और 10 भी कट रहा है और 14 और 10 भी कट रहा है। तो आपको जिसको सही लगे कि इससे ये काटना है तो भी काट सकते हो, और ये काटना है तो भी काट सकते हो, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो हम इसको कट करते हैं। ये 2 के टेबल से 22 11 टाइम और ये 5 टाइम। अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, 144 अपॉन 5। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है तो डिवाइड दे दो, 5 का डिवाइड दिया 154 में, 15 आता है 3 टाइम, ऊपर से आ गया 4, 5 के टेबल में 4 नहीं आता तो डिवाइड एरर सुपर 0, कितने टाइम, 0 टाइम। तो ये क्या आ गया, आपका 4 रिमाइंडर आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30 whole 4/5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं हम सी में, सी में क्या दे रखा था हमें, 16.5% ऑफ 5000 किलोग्राम। तो इसको कैसे करेंगे, वही मेथड है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा, फिर परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना लग जाएगा, 100, यहाँ ऑफ की जगह ये 0 0 0, 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 कटूंगा, 1 2 3, बाकी क्या बचेगा, 165 × 5, तो 165 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 कैरी 2, 5 6 30 और 2 32 कैरी 3, 5 5 5 और 3 8। तो ये किलोग्राम में आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे चलते हैं हम, देखिए क्वेश्चन पूछ, बाकी के क्वेश्चन आप करिएगा थर्ड और फोर्थ पूरे, आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।